टॉपिक आता है, दैट इज कंप्लायंस प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। कि कंप्लायंस के रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे एंड प्रोसेसेस किस तरीके से फॉलो करी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि किसी भी बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करा है उसके बाद आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस लॉन्च करते हो या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हो ताकि रिस्क को क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। तो जो भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसको क्या करना है, पीरियोडिकली बेसिस पे जो भी कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं उनको, उनकी इंस्टेंसेस को अपने स्टाफ को बताना है ताकि क्या करा जा सके, फर्दर प्रिवेंशन, फर्दर नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करा जा सके। तो बेसिकली आपको कंप्लायंस करने के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा वो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको देगा, एंड उसके बाद भी अगर कुछ नॉन कंप्लायंस होते हैं, कंप्लायंस फेलियर्स होते हैं, तो उस चीज के बारे में अपने स्टाफ को बताएगा कि ये कंप्लायंस फेलियर्स हुए थे, इन फ्यूचर इसको हमने रोकना है, तो रोकने के लिए क्या जो मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट करा जाएगा। सेकेंड हमारे पास आता है कि जो भी इंस्पेक्शन या ऑडिट्स होती हैं ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट वो एक फीडबैक की तरह वर्क करती हैं कि किस तरीके से आपके जो कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं, कंप्लायंस ब्रिचेस हुए, उनका एक फीडबैक है कि आपका जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, उसके करके क्या हुए ब्रीचेज या फेलियर्स, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह क्या करता है, वर्क करता है। उसके साथ साथ जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो जब भी एसीबी की मीटिंग है उसके अंदर क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लायंस एस्पेक्ट अच्छे तरीके से वर्क कर सके, आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि जब भी बंदा क्या कर रहा होगा, कोई ऑडिट कर रहा होगा, उसके पास कुछ चेकलिस्ट होगी कि वो उन चीजों को टिक करता जाएगा, जिससे ये पता लगता जाएगा अच्छा इस चीज का कंप्लायंस हो गया, इस चीज का कंप्लायंस, इस चीज का कंप्लायंस हो गया। उस तरीके से क्या होगा, ऑडिट फंक्शन भी अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन होगा वो सारी की सारी गाइडलाइंस को क्या करेगा, वेट करेगा मतलब चेक करेगा, ये इंश्योर कराने के लिए कि जो वो गाइडलाइंस है विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अलाइन में। ऐसा तो नहीं है कि गाइडलाइंस कुछ और कह रही है, बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन के पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेमिनेट हो सके, एंड जो भी कंप्लायंस उसका क्या हो सके, मॉनिटर हो सके। बेसिकली मैकेनिज्म किस चीज का होना चाहिए कि जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं उसको वो सब लोगों को पता लग सके एंड कंप्लायंस को आप क्या कर सको, टाइमली बेसिस के ऊपर मॉनिटर भी कर सको। ठीक है, जो आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब अगर किसी भी बैंक स्टाफ को किसी चीज में दिक्कत आ रही है, कोई प्रोसीजर्स के बारे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है, गाइडलाइंस के बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट से जाके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो कंप्लायंस फंक्शन है वो क्या करता है, प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर वर्क करता है। प्रोएक्टिव मतलब जब कुछ बुरा हो रहा है उससे पहले ही आपने उसको जज कर लिया, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव बेसिस। कुछ होने से पहले ही एक्शन लेना, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव एक्शन। तो कंप्लायंस फंक्शन एक प्रोएक्टिव बेसिस पर वर्क करता है ताकि रिस्क को क्या करा जा सके, पहले ही आइडेंटिफाई करा जा सके, डॉक्यूमेंट करा जा सके, असेस करा जा सके एंड उसको क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स के केस में भी कंप्लायंस रिस्क को क्या करा जाता है, एनालाइज करा जाता है एंड रिस्क मिटिगेंट्स प्रॉपरली क्या करे जाते हैं, लिए जाते हैं ताकि उन न्यू प्रोडक्शन सर्विसेज के केस में लॉन्च होने से पहले ही क्या करा जा सके, रिस्क को कम करा जा सके। उसके साथ साथ जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर कंप्लायंस रिस्क ना हो, तो जो भी आपकी न्यू प्रोडक्ट कमेटी होगी उसको आपने क्या करना है, कंप्लायंस ऑफिसर को उसका पार्ट बनाना है एंड जब तक वो अपनी क्लियरेंस नहीं देता उस तक आपने क्या करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करने हैं। उसके बाद जब आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं तो आपने पहले 6 महीने तक उनकी क्या करनी है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी तरीके से ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस को नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। उसके साथ बैंक्स को क्या करने हैं, फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स बनाने हैं एंड उनको अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से क्या करना है, साइन करवाना है, अप्रूव करवाना है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि फंक्शन लेवल के ऊपर क्या हो, कंप्लायंस हो। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो उसको क्या करना है, डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट बैंक के अंदर वर्क करते हैं, लेट इट बी लीगल डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट एटसेट्रा, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहना है ताकि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उसके बारे में कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स को पता लगता रहे। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं उनको असेस होना चाहिए हर इन्फॉर्मेशन का ताकि वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके एंड अपनी फाइंडिंग्स को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके। उसके साथ साथ जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसको क्या करना है, आरबीआई के साथ जो क्वार्टरली इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं उसका पार्ट बनना है ताकि आरबीआई के साथ भी डिस्कशन करके कंप्लायंस इश्यूज को डिस्कस करा जा सके। इन केस मीटिंग्स नहीं होती क्वार्टरली बेसिस पे बट तो उसको खुद ही इंश्योर कराना है कि वो खुद ही क्वार्टरली बेसिस पे
चीफ जनरल मैनेजर ऑफ डीबीएस इन चार्ज ऑफ द कंसर्न्ड बैंक एट सेंट्रल ऑफिस आरबीआई को जाके मिले ताकि कंप्लायंस इश्यूज को क्या करा जा सके, डिस्कस करा जा सके। ठीक है, जो भी बैंक का कंप्लायंस फंक्शनरी होगा उसको हमने क्या करना है, अपने फ्रेंड की तरह देखना है, एक दोस्त की तरह देखना है कि बेसिकली ये क्या करने आया है, हमें बचाने आया है, हमें रिस्क से बचाने हैं, हमने उसको उस तरीके से डील करना है। इसलिए हमने क्या करना है, जो कंप्लायंस फंक्शन है और बिजनेस ऑपरेशन है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, इस इंटरेक्शन को आप फॉर्मलाइज भी कर सकते हो बाय इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, कि वैसे तो आपने कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप बना के रखनी है बट आप उसको फॉर्मल स्टेटस देना चाहते हो, तो आप ये करो कि आप मीटिंग्स ही करवानी शुरू कर दोनों फंक्शंस की, ताकि क्या करा जा सके, वेरियस चीजों के ऊपर डिस्कशन करी जा सके। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन होगा उसने क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड कंप्लायंसेस को टेस्ट करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कंप्लायंस है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एंड जो भी उस टेस्टिंग के क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको सीनियर लेवल मैनेजमेंट को उस कुछ चीज को रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद कि देर शुड ऑल्सो बी वेज कि आप किस तरीके से कंप्लायंस रिस्क को क्या करोगे, मेजर करोगे, एंड आपने इस मेजरमेंट को यूज करना है ताकि रिस्क की क्या करी जा सके, असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, जो भी आपका कंप्लायंस स्टाफ होगा आपने उसको पावर प्रोवाइड करनी है ताकि वो क्या कर सके, रिव्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कर सके, एंड उनकी जो भी रिपोर्ट आई है वो क्या कर सके, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट कर सके। इनकेस अगर किसी भी कंप्लायंस स्टाफ को किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो क्या उसको एक्सटर्नल एक्सपर्ट अपॉइंट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्लायंस स्टाफ है उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ क्या हुआ है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, बट उसको चेक करने के लिए उसके पास सफिशियंट नॉलेज नहीं है, उसको कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट चाहिए, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की क्या ले सकता है, परमिशन ले सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो कंप्लायंस फंक्शन है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो चाहे डायरेक्टली सीनियर मैनेजमेंट के पास या डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके रिपोर्ट कर सके, उसके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट मे बी यूजफुल फॉर द बोर्ड और ऑडिट कमेटी और द स्पेशल कमेटी एज द केस एप्लीकेबल टू मीट विद द हेड ऑफ कंप्लायंस एटलीस्ट एनुअली टू हेल्प द बोर्ड और बोर्ड कमेटी टू असेस द एक्सटेंट टू विच बैंक इज मैनेजिंग इट्स कंप्लायंस रिस्क इफेक्टिवली। कि जो भी बैंक का बोर्ड है उसके लिए काफी चीज हेल्पफुल हो सकती है कि आप अपना जो कंप्लायंस का हेड है उसको जाके मिलो एनुअली बेसिस के ऊपर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बैंक अपने रिस्क को किस तरीके से क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। उसके बाद जो भी कंप्लायंस फेलियर्स है या ब्रीचेस है उसकी एनुअल रिपोर्ट क्या करनी है, बोर्ड के सामने आपको रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस विद एनी रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि बेसिकली क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ नॉन कंप्लायंसेस हुए उसके रिगार्डिंग हमने क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए ताकि ये दोबारा एक्शन ना हो, वो भी क्या करने हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर डिस्क्लोज करने हैं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इम्प्लॉइज को भी आपने मेंटेन करना है, एंड ये इंश्योर कराना है कि जो भी इंप्लॉइज है वो क्या कर रहे हो, ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर वर्क कर रहे हो, एंड जो भी कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, फेयर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ साथ ड्यू वेटेज कुड बी गिवन टू रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ स्टाफ एट वेरियस लेवल, कि जब आप किसी स्टाफ की अप्रेजल कर रहे हो तो उस टाइम आप ये देख सकते हो कि उस पर्सन ने कंप्लायंस कितना करा है, एंड उसके बेसिस पे भी उसकी अप्रेजल डिसाइड करी जा सकती है। उसके साथ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ ब्रीच भी फिक्स करना क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।